इधर आए हैं साउथ बीच, देखने सारी छतरियाँ, छतरियों के नीचे टोपियाँ पहन के प्यारी प्यारी बच्चियाँ बैठी होंगी जिनका सनी भाई जो है। डे टू इन मियामी। तो आज का सीन कुछ यूँ है कि अभी हम मियामी मेरीना बे जा रहे हैं जहाँ पे हम वाटर स्पोर्ट्स करेंगे। उसके बाद हमने आज मियामी सिटी घूमनी है और प्लस मियामी बीच, साउथ बीच और डिफरेंट स्पॉट्स जो मियामी में है उसको आज हम कवर करेंगे। मीनवाइल ये अभी हम जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से 5 मिनट्स दूर है मियामी मेरीना बे, तो हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। आपको ये साथ साथ हम मियामी डाउनटाउन रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं उसकी आप वाइब चेक करेंगे। भी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और लोग भी आए हुए हैं। एग्जैक्टली फुली आप सीन आने भी और टूरिस्ट आए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज से विद इन US। फिर वराइटी ऑफ रिसॉर्ट्स स्वीट्स। तो यार फिर क्या ले रहा है अब्दुलरहमान? समथिंग रैंडम आई थिंक, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रोसान चेक करते हैं। मेरा जो मूड है वो है ऑलमंड क्रोसान। ओके, साथ में उसके लूँगा कॉफ़ी है जो आपको को सरप्राइज मिलेगा। पाइनएप्पल गुआवा स्लाइस, पाइनएप्पल और अमरूद की रोटी। तो ये हमारे पास है आलमंड क्रोसान और ये मैंने ली है, ये है मैकेडेमिया लाटे। छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने ना अपना एक लेमनेड का स्टैंड लगाया था। हमने कहा कि यू नो वी हैव टू सपोर्ट द लोकल पीपल स्पेशली द किड्स व्हेन दे ट्राइंग टू डू समथिंग, दे आर जस्ट डूइंग फॉर देयर पॉकेट मनी। तो हम दोनों ने फ्रेंड से ये जूस लिया, लेमनेड टाइप आइस टी के आर ऐसे। ये बड़ी रिफ्रेशिंग है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और प्लस एक अच्छा जेस्चर है यार। मरीना बे पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत से लोकल्स टूरिस्ट अब यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो लोग भी मियामी विज़िट करते हैं या फ्यूचर में विज़िट कर रहे हैं तो वो मियामी मरीना बे पर ज़रूर हैं। यहाँ पर डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसा कि जेट स्कीइंग, बनाना बोट, पैरा सेलिंग, पैरा ग्लाइडिंग और डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत बड़े एरिया पर ये जगह उन्होंने बनाई हुई है बीच साइड पर, तो आप यहाँ पे डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे डाउनटाउन मियामी का व्यू भी नज़र आता है, तो काफ़ी अच्छा ये स्पॉट है। तो हमारी रिजर्वेशन ऑलरेडी हुई हुई है, तो अभी बस हम जाके बोटिंग लाइसेंस का एग्ज़ाम देते हैं और फिर आपको हम समंदर में मिलते हैं। जी जेट्स की पे हम पहुँच चुके हैं, अभी हमने गेयर्स वगैरह पहन लिए हैं और बस जेट्स की हमारी आने वाली है, तो फिर हम राइड लेने लगे हैं। सो लिटिल बिट फॉर एवरीवन, आपने जो है ये जगह जहाँ पे हम लोग हैं मियामी वाटर स्पोर्ट्स नाम है इसको, ये मियामी बे पे है, मियामी मरीना बे। तो जो है आपको पहले हमने जिस तरीके से किया था, हमने ग्रुप ऑन लिया था पहले। ग्रुप ऑन ओनली गिव्स यू, आप अगर जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज विद ग्रुप ऑन, ग्रुप ऑन पे लिखा होता है $7 फॉर 2 पीपल ऑफ जेट्स की, लेकिन नहीं वो ऐसा नहीं होता। वो बेसिकली आपकी एक मेम्बरशिप होती है जिसके लोग कहते हैं विद दिस कंपनी विच इज़ मियामी वाटर स्पोर्ट्स .com। फिर आप जब मेंबरशिप ले लेते हैं फिर आप आते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है। वो पता नहीं हम लोग को क्या है वो रियली होता है नहीं होता और ना बस समा उन्होंने वैसे ही एक बनाया होता है एक। हाँ फिर जो है आप हम यहाँ आए थे वी हैड टू पे, हम लोगों ने दो बंदों को 165 भरा एंड यू ऑल्सो हैव टू गेट अ फ्लोरा बोरिंग लाइसेंस। लाइसेंस के बगैर आप नहीं जा सकते, उसका एग्ज़ाम आप यहीं बैठे बैठे देते हैं। उस लाइसेंस की $10 फीस होती है, आपको वेवर साइन करना होता है, आपको डिपॉजिट करना होता है और लाइसेंस लेना होता है। वो 15 मिनट का काम है। वो जब एग्ज़ाम आप कर लेते हैं आपको लाइसेंस मिल जाता है, देन रेडी टू गो। हम लोगों ने एक टैग लिया है, दिस इज़ टू शो के हम लोगों ने तस्वीरें भी खरीदी हैं, तस्वीरें वीडियोस वो लोग बनाते हैं। GoPro का हमने पैकेज लिया है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे वाटर में आप जाते हैं तो आपके फ़ोन वगैरह गिरने का डर होता है और प्लस ये है कि वाटर स्प्लैशेज वगैरह पड़ती हैं, तो उससे बेहतर है कि आप GoPro का पैकेज ले लें जिसमें आपकी वीडियोज़ एंड डिफरेंट फ़ोटोज़ आ जाते हैं और उसमें आपकी साइट सीइंग वगैरह भी सब कवर हो जाती है। तो नाउ वी आर ऑल सेट और फिर मिलते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं साउथ मियामी बीच, ये हम लोग को I-95 नॉर्थ से लेके जा रहे हैं।
डाउनटाउन का आपको हम स्काईलाइन दिखा रहे हैं मायामी की। कल रात को हमने आपको नाइट व्यू दिखाया था, अभी आप आपको डे में दिखा रहे हैं ये सारी स्काईलाइन। आप चेक करें मायामी बीच की, मायामी सिटी की स्काईलाइन, डाउनटाउन मायामी। तो आज हम आपको रियल फील जो मायामी की वो दिखाएंगे। अपने व्यूवर्स के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूं कि इस टाइम हम पोर्ट ऑफ मायामी की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली पोर्ट ऑफ मायामी को क्रूज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजीएस्ट पोर्ट्स है ग्लोबली, जो कि लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका और डिफरेंट जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उसको मायामी के साथ कनेक्ट करता है। और इसके साथ साथ कार्गो और शिपिंग के हिसाब से एक्सटेंसिवली यूज्ड होने वाली पोर्ट है। वी आर नाउ पैसिंग थ्रू द अंडर वाटर टनल दैट कनेक्ट्स द सिटी ऑफ मायामी टू द पोर्ट ऑफ मायामी एंड द साउथ बीच। इस वक्त हम समंदर के अंदर टनल से गुजर रहे हैं। इसके अलावा एक और रास्ता भी है जो कि ब्रिज के थ्रू पोर्ट ऑफ मायामी को जाता है। एंड आवर प्लान इज़ टू रिकॉर्ड बोथ फॉर आवर व्यूअर्स इन दिस व्लॉग। साउथ मायामी बीच, और ये अंडरग्राउंड समंदर के अंदर है। तो इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स काउंट विद मी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हालेलुया। हियर इज साउथ मायामी, वी जस्ट एंटर्ड राइट। क्रूज टर्मिनल्स में यहाँ से क्रूज चलते हैं, जो बड़े बड़े जो मेजर क्रूजेज होते हैं ना, सारे यहाँ से जाते हैं टूवर्ड्स कैरिबियन और वो सारे जो जाते हैं, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल क्रूजेज जो होते हैं। पोर्ट ऑफ मायामी, पोर्ट ऑफ मायामी। सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग आपको लग रही है। ये यहाँ पे ना पार्किंग ढूंढना एक बहुत बड़ा अजाब है, तो वही अभी हम पार्किंग ढूंढने के चक्कर में मायामी के महलों में भटक रहे हैं। तो हम इधर आए हैं साउथ बीच देखने। सारी छतरियाँ, छतरियों के नीचे टोपियाँ पहन के प्यारी प्यारी बच्चियाँ बैठी होंगी, जिनका सनी भाई जो हैं सख्ती से इंतजार कर रहे हैं। ये बंदा पीछे ख्याल रखना है, सब बंदा पीछे पड़ा हुआ कहता है कि मैं जो ना तो बेसिकली तो मैं यार क्रेडिट से इतने पैसे लगा के छतरियां देख रहे हैं, देखने तो आया था। तो हियर इज, तो बोनस में थी ये हमारा वाइट सैंड बीच, लग तो वाइट सैंड रहा है, इट्स अ वाइट सैंड बीच जो लोग तरसते हैं देखने के लिए। सो वाइट सैंड,